एपीटीवी भारत, आवाज देश की। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस प्रकार से एक आतंकवादी के साथ फोटो खिंचाकर ये साबित कर दिया है कि निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर वो अशांति का माहौल बनाना चाहते हैं, पंजाब का जो है माहौल फिर बिगाड़ना चाहते हैं। तो हम कहना चाहते हैं भारत सरकार से और राज्य की सरकार से, पहले तो जो उनका मंत्री पद है, उनकी वाइफ का जो मंत्री पद है, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री की बात का भी उन्होंने उल्लंघन करके पाकिस्तान में एंट्री करी, और पाकिस्तान में एंट्री करने के बाद में जिस प्रकार से जपियाँ उन्होंने आतंकवादी के साथ पाई है, जो खालिस्तान का खूंखार आतंकवादी है, और जिसने पूर्व में कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या में जो लोग सम्मिलित थे उन लोगों के साथ में वो लोग फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मैं पंजाब के अंदर अशांति का माहौल बनाया जा रहा है, पंजाब का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। हम किसी को भी माहौल नहीं बिगाड़ने देंगे, और निश्चित रूप से हम भारतवासी हैं, और सबसे पहले हमारा धर्म बनता है हम भारत माता के लिए खड़े हों, हम इंसानियत के लिए खड़े हों। तो जिस प्रकार की सिद्धू ने ये जो घटनाक्रम किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो देश से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और साथ में भारत के प्रधानमंत्री को ये संज्ञान में लेकर उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, उन पर मुकदमे कायम होने चाहिए, देश द्रोह के मुकदमे कायम होने चाहिए, और उनकी जो सदस्यता है वो निरस्त होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। आज हमने सांकेतिक रूप से यहाँ प्रतिज्ञा फूंक कर सिद्धू के प्रति अपना रोष प्रकट करने का काम किया है। यदि शीघ्र ही इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम एक उग्र आंदोलन करेंगे, बड़े आंदोलन करेंगे, जन जागरण करेंगे, और सिद्धू को विमर्श कर देंगे, उसे देश से माफ़ी मांगनी होगी। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का जो घटनाक्रम उनने किया है, और निश्चित रूप से देश में किसी प्रकार से भी माफी लायक नहीं है, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एपीटीवी भारत, आवाज देश की।